only here at Country Club. Six, five, four, three, two, one. Asia's biggest New Year Bash 2020. War of the DJs here at Country Club Pan India and UAE. Check this out. Ooh la la la. The countdown has already begun. Let's welcome 2020 with a bang. Country Club rocks. Devina is very excited. Devina is saying, "Mujhe bhi padhna hai, please dekh lijiye, Devina. Pehle aap dekh lijiye." At first, once again, we are very, very thankful to both our lovely couple. But मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं सर मुझे कौन से कंट्री क्लब में बुलाएंगे फॉर न्यू ईयर बट यार थोड़ा सा झलक अगर हो जाए आपके न्यू ईयर का आज कुछ रास फाश हो जाए क्या कहते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया उनसे रिक्वेस्ट करें गुरमीत थोड़ा सा कुछ हम देख लें झलक देख लें आप लोग वैसे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एग्जैक्टली वो दिवाली सेलिब्रेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लग रहे हैं अगर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कुछ कहेंगे तो शायद वो आपकी बात मानेंगे अरुण कहेगा तो नाच लूंगा अरुण नाचो मैं अरुण जी प्लीज अरुण झुक गया है आप क्यों झुक रहे हैं हाँ हाँ अरुण आप भी आ जाइए नाचने के लिए डांस करें हम लोग कुछ करें आप चाहते हैं रमाकांत सर कुछ कहिए ना उनसे जोर से जरा चलाइए ना कुछ तो धमाका कीजिए ना आज थोड़ा झलक हो जाए काउंटडाउन शुरू हो चुका है न्यू ईयर का अरुण कथक करे कथक थोड़ा सा हमें झलक दिखा लीजिए सर ओनली इफ यू टेल देम आई थिंक दे विल अग्री Yeah, we'll request Guru and Devina to just give us a song. That was absolutely super brilliant, ladies and gentlemen. Planned all of a sudden, and it was taken by surprise by them as well. Well, ladies and gentlemen, and now, friends of the media, after this beautiful sa jhalak, well, I'm into a different world. Main to kuch aur hi duniya mein ghoom rahi hoon. But it's time for us to have our Q&A, post which we'll have media bites. And... Ji, aap log questions pooch sakte hain, please. Hi.
किया कि यार एक वक्त था जब आप डेट कर रहे थे और आया करते थे और सोचा करते थे, और आज जिस मकाम पे आप हैं, अपनी मेहनत से हैं, डू गेट नॉस्टैल्जिक, मेरी जाएगी वहां तक आवाज, डू गेट नॉस्टैल्जिक और डू गेट इमोशनल, एक इतनी इतना बड़ा सफर तय कर लिया, आज एक पहचान है, गुरमीत की बात करूँ या देवीना की बात करूँ, अपने बल पे अपने दम पे, डू गेट नॉस्टैल्जिक, और कैसे याद करते हैं, क्या यादें आती हैं जब आप इस तरह का जिक्र करते हैं? या वेल एक्चुअली मैं बहुत लकी मानता हूँ, एक्चुअली जब हम मैं बॉम्बे आया था तब हम 20 या 25 दोस्त थे जो एक्टर बनने आए थे, और धीरे धीरे करके सब जाने लगे, वापस काम नहीं हो रहा था और मैं वापस भी जा नहीं सकता था क्योंकि कुछ और सोचा ही नहीं, बचपन से हमेशा एक्टर बनने का ही सोचा था, दूसरा कुछ प्लान भी था ही नहीं, यू नो, और धीरे धीरे सारे दोस्त जो क्लोज दोस्त थे जिनके साथ हम यहाँ पे शुरुआत हमने की थी वो सब धीरे धीरे चले गए, तो बहुत बुरा भी लगता था और जैसे जैसे दोस्त जाते थे मैं बहुत रोता भी था, बहुत ही इमोशनल हूँ क्योंकि किसी का सपना पूरा नहीं हो रहा है, यू नो, लेकिन एक जो चीज़ मेरे पास थी वो थी मेरा हार्डवर्क, बड़ी मेहनत की, उसमें कभी कंजूसी या उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, हमेशा हार्डवर्क करता रहा, और मुझे लगा कि क्योंकि फौजी का लड़का हूँ तो डैड से हमेशा सीखा है कि जब आप मेहनत करते हो तो लक भी आपके साथ हो जाता है, तो बहुत मेहनत के बाद, और कहते हैं कि लक तब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की मिल जाती है, तो देवीना इनिशियली जब 19-20 साल का था तभी देवीना मुझे मिली और मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, उससे पहले कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं, और कहते जब इनका हाथ आया तो एक्चुअली लक और ज़्यादा हो गया, और दोनों ने हमें प्लानिंग की और हम दोनों साथ में ही ऑडिशन के लिए जाते थे और यू नो हर चीज़ साथ में होती थी, तब ऐसा भी होता था कि आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप बहुत कुछ सोच नहीं सकते थे, जैसे आपको मैंने कहानी बताई कंट्री क्लब के बारे में, तो सपना बहुत बड़ा था, लेकिन वो सपना सिर्फ सपने तक नहीं था, हमने बहुत मेहनत की है, हम दोनों के पास एक छोटा सा बैग होता था, उस बैग में एक बैग में हमारे दोनों के कपड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे एक बैग से दो बैग, फ्रिज, एसी, हर चीज़ हमारे सामने हुआ, भी घर हुआ, हर चीज़, यू नो, तो आई थिंक जब पुरानी चीज़ें सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यू नो अच्छा लगता है, आज भी जब मैं पहली बार आया था कुलाबा में डैड आर्मी क्वार्टर्स थे, तो आज भी मैं देवीना को लेके जाता हूँ उस गलियों में, वहाँ पे जहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, पैदल घूमता था, BST बस होती थी, बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के यू नो पैसे कैलकुलेट करके रखते थे, और अच्छा लगता है जब भी वहाँ से जाते हैं तो तब मुझे याद लगता है कि यार अभी आज भी हमें ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, आपको आप किसी भी मुकाम में पहुंच जाओ अगर आप अच्छे इंसान हो तो काम भी होता है और आप और अच्छे मन से काम कर सकते हो। ओह माय गॉड, आई हैव द मिडास टच। हां, ये तो है। एक आंसर बस, मेरी बीवी एक ही बार बोलती है। हां एक्चुअली गर्ल कैन मेक और ब्रेक एनीथिंग एंड आई थिंक आई मेड इट। आई जस्ट मैं एक सपोर्ट सिस्टम जैसी थी। इनफैक्ट सपोर्ट सिस्टम मुझे लगता है कि हर एक में होती है वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, उसको बस विश्वास दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ तुम कर सकते हो, भले ही वक्त लग रहा है लेकिन हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि आज बहुत बार ये इस चीज़ की जिक्र हुई। इनफैक्ट राजीव जी जब ऊपर खड़े थे, हम लोग बालकनी से पार्क को देख रहे थे पीछे वाले, दोनों ने अलग अलग चीज़ें बोली। पीछे उस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे एक्चुअली, पीछे जो क्या नाम है चिंतन बिल्डिंग है उधर, और वहाँ से हम लोग ये देखते थे, और राजीव जी ने बोला कि मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेके मैं आज खड़ा हूँ। ये एक हैदराबाद का कंपनी था, यहाँ पे बॉम्बे जैसे शहर में आके मैंने एस्टैब्लिश किया, इट इज़ अनबिलीवेबल। बट आई थिंक इस बार एक गाना तो ज़रूर मैंने पहले ही बोल दिया है, बाला तो मतलब मुझे चाहिए, मैं लड़ लूँगा सबसे। इनफैक्ट हमारे जो डांसर हैं उसको मैंने बोला कि बाला कुछ रीमिक्स करते हैं, और एक्चुअली ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि अक्षय सर का फ़ैन हूँ, उनको हमेशा माना है, ये एक चैलेंज मैं कैसे मेरे से रह गया, और जब तक मैंने सोचा तब तक इतने लोगों ने कर दिया था, तो अब जब सब लोग थक गए हैं मैं एक्चुअली न्यू ईयर पे 31st पे बाला करने वाला हूँ, चाहे कुछ। मैं तो बहुत सारे गाने में परफॉर्म करने वाली हूँ, और एक सरप्राइज गाना भी है जो मुझे पता है वो गाना, तुमको तो पता ही है। अच्छा ओके, तो गुरमीत का एक गाना रिलीज होने जा रहा है। नहीं अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, पर आप ये बीवी कर सकते हैं, अभी मेरे पीआरओ का फोन आ जाएगा। यस गुरु भाई एंड देवीना जी सामने आपके। अरुण मेरी जान, जोरदार, ये मेरा भाई है, मेरी जान है, बोल यार। थैंक यू। यू नो
मुझे रवीना जी आपसे भी मुझे ये पता है कि न्यू ईयर की परफॉर्मेंस के बाद आप लोग एक लंबी सी छुट्टी पर जाते हैं, तो इस बार ऐसी कुछ प्लानिंग की आप लोगों ने एंड लाइक वो लोकेशन आप लोगों ने चूज किया कौन सी कहाँ जाना है? हाँ एक्चुअली हम लोग अरुण ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, बहुत सही चीज़ बोला। हम जब भी राजीव न्यू ईयर करते हैं कदम परफॉर्म होता है, क्योंकि एक्टर को बड़ा अच्छा लगता है पहला न्यू ईयर पे आप काम करते हो परफॉर्म करते हो, उसके बाद हम छुट्टी पे जाते हैं। एक्चुअली कल ही रात को मैं देखना के बीच में लड़ाई हुई है, ये कुछ और ही बोल रही है मैं कुछ और बोल रहा हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन ज़रूर छुट्टी पे कहीं पे परफॉर्म करने के बाद निकल जाएंगे। अच्छा राजीव आप हमें बता दो, आप ही हमारी लड़ाई सॉल्व कर दो, ये कुछ और बोल रही है मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कोई एक जगह पे हमें जाना है, अलग तो अलग तो जा नहीं सकते। आपको तो हॉलीडेज के बारे में बहुत आइडिया है। या यू कैन विजिट वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टीज बंदीपुर कंट्री क्लब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन्होंने एक बार में सॉल्व कर दिया। आई मीन टू मी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री क्लब टुडे। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर विजिटिंग दोस प्लेसेस एंड वाइल्ड लाइफ इज समथिंग फैंटास्टिक एंड यू नो the need to preserve the wild. This project was inaugurated by Renuka Chaudhary ji when she was the forest minister, and then I had personally been to all the best wildlife resorts in Africa, and I've gone to global standards, and today you find a lot of foreigners, a lot of people who visit the place, and you know, if anybody asks me what is your favorite destination, I'll say Bandipur, because I mean there your phones also don't work, and whenever I go there I feel very happy, because when the network is not there, your mind is only, you know, totally free, and then that's the place I would definitely recommend.